यकीन मानिए बाबा, हमने अपना फैसला कभी नहीं बदला था। हाँ ये सच है कि उस दिन सुलोचना ही के सामने हम कुछ बोल नहीं पाए, इसकी वजह से सबने गलत समझ लिया। बाबा हम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं कि श्रावणी को इस हालत में अकेला छोड़ दे? ये तो धोखा हुआ ना बाबा। तू ये सब श्रावणी के भविष्य के लिए कर रहा है ना, तो मेरी भी एक बात सुन ले बेटा। समझौते के नींव पर बने हुए रिश्तों की कभी उम्र नहीं होती और ना ही कोई भविष्य होता है। आई, मेरे लिए मानव से अलग होना आसान नहीं है। मैंने हर फैसले में उनका साथ दिया है और आज भी मैंने वही किया। आई तुझे पता, हम तो जो भुगत रहे वो भुगत रहे, लेकिन हमारे साथ साथ श्रावणी और वंदिता भी भुगत रहे। श्रावणी का तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन वंदिता, अगर अगर मैं तलाक नहीं देती ना, तो अजीत और रसिका का की वंदिता की जिंदगी तबाह कर देते। आई मुझे मुझे अजीत का फोन आया था। एक पल के लिए भी तुम्हारे मन में ये डिवोर्स रुकने की बात आई ना, तो आंखें बंद करके वंदिता का चेहरा याद कर लेना। वहां तुम्हारा डिवोर्स रुका और यहां वंदिता को मैं आज हमारा बदला पूरा हो गया। जिसने आज तेरी शादी तुड़वाई थी, आज उसी की शादी टूट गई। और बार बार उस पल को याद करके पछताएगी जिस पल उसने हमसे पंगा लिया था। ताई, आप यहाँ किस लिए आई हैं? आपको आपके घिनौनेपन और कमीनेपन का एहसास दिलाने के लिए आई हूँ। ताई, आज आप मुझसे सभ्यता की उम्मीद ना करें तो ही अच्छा है। रसिका ताई, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना ही वो मेरा स्वभाव है और ना ही वो हमारे घर के संस्कार है, लेकिन एक बात का एहसास तो मैं आज आपको करवा के ही जाऊंगी। बहुत बुरा किया है आपने, आपने मेरी बेटियों के साथ जो किया है ना, उसकी कीमत आपको चुकानी ही पड़ेगी। और कोई देखे ना देखे, लेकिन जो कुछ आप कर रही है ना, वो पापा देख रहे हैं, और जब उसकी लाठी पड़ेगी ना, आप चू तक नहीं कर पाएगी। ये एक आई की हाय है और ये हाय इसे लग करी रहेगी। नमस्ते, मैं ख्याल रखना। देखा मानव, ये है हमारी ताकत। आखिर तुम्हें अर्चना को हमारी ताकत के सामने झुकना ही पड़ा। इतने खुश क्यों हैं? आपको ऐसा लगता है कि आप जीत गए तो आपकी गलतफहमी। मैंने और अर्चना ने तलाक अपनी मर्जी से लिया है, श्रावणी के बारे में सोच के। दिल से मैं और अर्चना आज भी उतने ही करीब हैं, बल्कि उससे ज्यादा करीब हैं जितना कि पहले थे। कोर्ट और सरकारी कागजों से बहुत ऊपर है हमारा ये पवित्र रिश्ता का भी। जैसे भी है, जो भी है, अर्चना है तो आखिर वर्षा की बहन। जिस तरह वर्षा ने अपने शादीशुदा बॉस के साथ नाजायज तालुकात रखे थे, उसी तरह अर्चना भी अपने शादीशुदा मानव के साथ नाजायज तालुकात रखेगी।